अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे इंसेक्ट इकोलॉजी का पार्ट टू। तो इकोलॉजी में पहले हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, जिसमें हमने इकोलॉजी को डिस्कस किया था, फिर हमने ट्रॉफिक लेवल्स को डिस्कस किया था, उसके बाद हमने जीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह को डिस्कस किया था, माइग्रेशन इमिग्रेशन वगैरह को डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ डिस्पर्सल। मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एंड आउट ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डिस्पर्शन। तो ये हमारे पास ही हमने पहले पढ़ चुके हैं। आगे हम जाएंगे व्हाट इज़ बायोमास। बायोमास इज़ द टोटल ड्राई वेट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। कि कितना उसका टोटल ड्राई वेट है, जितने भी ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं एक पर्टिकुलर हैबिटेट में, उसे हम क्या कहेंगे, बायोमास कहेंगे। व्हाट इज़ बायोम। बायोम इज़ अ मेजर क्लाइमेटिक रीजन करेक्टराइज बाई इट्स डोमिनेंट वेजिटेशन। तो जो भी वेजिटेशन डोमिनेट कर रही होंगे वो उसको बायोम को करेक्टराइज कर रही होंगे। आगे हमारे पास है डिफाइन लेबिग लॉ ऑफ मिनिमम। एनी इन्वायरमेंटल फैक्टर विच इज़ नीडेड मिनिमम फॉर द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लेबिग लॉ ऑफ मिनिमम। कि कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट फैक्टर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट जिसकी होती है, उसको हम लेबिग लॉ ऑफ मिनिमम कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन शेलफोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। ऑर्गेनिजम्स हैव एन इकोलॉजिकल मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट्स विच रिप्रेजेंट्स इट्स लिमिट्स ऑफ टॉलरेंस। द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग इफेक्ट ऑफ मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द लॉ ऑफ टॉलरेंस बाय वी ई शेलफोर्ड इन 1913। दस इट इज़ कॉल्ड शेलफोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ नेटैलिटी। तो जो भी हमारे प्रोपगेशन हो रही होती है उसको हम कहते हैं नेटैलिटी, और मोर्टैलिटी होती है जो भी हमारी डेथ्स हो रही होती हैं, जो डिजीज़ कर रहे होते हैं इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन, वो मोर्टैलिटी होती है। द इनहेरेंट करेक्टर ऑफ पॉपुलेशन टू प्रोपागेट इज़ कॉल्ड नेटैलिटी। कि जो उनके जीन्स में करेक्टरिस्टिक है कि उन्होंने खुद को प्रोपागेट करना है, उसे नेटैलिटी कहते हैं। मोर्टैलिटी इज़ द एंटी थीसिस ऑफ नेटैलिटी, मीन्स एक्सपायर और डेथ रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन। प्रोडक्टिविटी हमारे पास नेक्स्ट आती है द रेट ऑफ फूड एनर्जी स्टोर थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस बाय प्रोड्यूसर एज ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज लॉन्गेविटी। द टोटल लाइफ स्पैन ऑफ एन इंसेक्ट फ्रॉम इट्स हैचिंग टू इट्स डेथ इज कॉल्ड लॉन्गेविटी। कि जितना वो हैचिंग के बाद उसने लाइफ गुजारी है टिल उसकी डेथ तक, वो सारे के सारे हम किस में स्टडी कर रहे होते हैं, वो लॉन्गेविटी में आता है। व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। सीक्वेंस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज वन आफ्टर अनदर इन अ गिवन एरिया इज इन द टाइम स्केल। तो वो क्या होगा हमारे पास, इकोलॉजिकल सक्सेशन। कि किस तरह से जो है कम्युनिटीज़ ने एक दूसरे के सक्सेसर बने हैं वो एक दूसरे के। व्हाट इज म्यूचुअलिज्म एंड सिम्बायोसिस। म्यूचुअल से निकले म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोसिस अ स्टेट इन विच बोथ द पॉपुलेशन आर बेनिफिटेड एंड नीदर कैन सर्वाइव अलोन। इसमें दोनों का जो है सर्वाइवल एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। जैसे एसोसिएशन ऑफ वुड डाइजेस्टिंग फ्लैजेलेट्स विद द वुड ईटिंग टर्माइट्स। जो टर्माइट्स होते हैं उनके जो होते हैं फूड ट्रैक में, वो फ्लैजेलेट्स होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, वुड को डाइजेस्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज कमर्शियलिज्म। जो कमर्शियलिज्म है इसमें होता है कि एक पॉपुलेशन जो बेनिफिट ले रही होती है, दूसरी को ना नुकसान हो रहता है ना उन्हें बेनिफिट होता है। कमर्शियलिज्म इज़ अ स्टेट इन विच वन पॉपुलेशन इज बेनिफिटेड नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर। नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर के दूसरी को कोई कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ रही, यानी ना तो उन्हें कोई डैमेज हो रहा है, ना वो जिस तरह प्रीडेटर प्रे को किल कर देते हैं, ना वो किल हो रहे हैं, जबकि दूसरों को उनसे बेनिफिट हो रहा है।
एसोसिएशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म इन द बॉरोज ऑफ अर्थवर्म्स, जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म है वो जो अर्थवर्म्स के बिल होती हैं या जो उनके गड़े उन्होंने खोदे होते हैं नालियाँ, वो उनमें रह रहे होते हैं। वट इज़ प्रोटो कोऑपरेशन, ये एक स्टेट है जिसमें के एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं लेकिन वो सर्वाइव कर लेते हैं अलहदा। प्रोटो कोऑपरेशन इज़ अ कंडीशन इन विच बोथ द एसोसिएटिंग पॉपुलेशन आर बेनिफिटेड, इनमें दोनों को वो आपस में कोऑपरेट कर रहे होते हैं। जैसे प्रोटो कोऑपरेशन में देख रहे हैं कोऑपरेशन का लफ्ज आ रहा है, तो वो आपस में कोऑपरेट कर रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे होते हैं, लेकिन जैसे कहा कि वो अलहदा भी सर्वाइव कर लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ सी एनिमल्स विद क्रैब्स, जो क्रैब्स के साथ सी एनिमल्स का होता है वो प्रोटो कोऑपरेशन का रिलेशन होता है। वट इज़ नेगेटिव इंटरेक्शन, ये जैसे कि इनके जो है वर्ड बता रहे हैं कि ये इंटरेक्शन ही नेगेटिव है, जिसमें क्या होगा एक दूसरे को वो डैमेज दे रहे होंगे। द इंटरेक्शन सच एज प्रीडेशन, जिसमें वो प्रीडेटर प्रे को किल कर देता है, उसे हमने पढ़ा था प्रीडेशन कहते हैं। एंड पैरासिटिज्म, इसमें जो होते हैं पैरासाइट्स वो होस्ट के ऊपर सर्वाइव कर रहे होते हैं और होस्ट की जो लाइफ होती है वो रिस्क पे होती है, या तो वो एट द एंड वो किल हो जाते हैं या फिर उसकी जो होती है टॉलरेंस वगैरह वो कम हो जाती है। विच लीड्स टू नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ अदर होस्ट पॉपुलेशन। फिर नेक्स्ट है हमारे पास होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस इज द हारमोनियस इक्विलिब्रियम बिटवीन बायोटिक कम्युनिटीज एंड देयर एबायोटिक इन्वायरमेंट, जो हमारा अपने जो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन है जिसमें हम इक्विलिब्रियम अपनी बॉडी का मेंटेन करते हैं उसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। वट इज सैप्रोफाइट, सही है, तो एन ऑर्गेनिज्म डेट ऑब्टेन्स फूड फ्रॉम डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सैप्रोफाइट। वट इज कैरिंग कैपेसिटी, द मैक्सिमम डेंसिटी विच अ हैबिटेट और इट्स रिसोर्सेज कैन सपोर्ट इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। जैसे कि हम देख सकते हैं कैरिंग कैपेसिटी वर्ड शो कर रहा है कि वो कितना कैरी कर सकता है, तो एक हैबिटेट की कैरिंग कैपेसिटी से क्या मुराद है, वो कितने कम्युनिटीज़ को शेल्टर कर सकते हैं, कितनों को वो जो है जो लाइफ के लिए रिक्वायर्ड सोर्सेज हैं जैसे वाटर है फूड है वो कितनी सप्लाई कर सकते हैं। वट इज़ एसोसिएशन, कॉन्सेप्चुअल ग्रुपिंग ऑफ पॉपुलेशन इन अ कम्युनिटी करेक्टराइज बाय पार्टिकुलर डोमिनेंट स्पीशीज, इसे हम कहते हैं एसोसिएशन। वट आर स्टेनोकोकस स्पीशीज, स्टेनोकोकस इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड स्टेनोस नैरो एंड ओकस होम, द रिस्ट्रिक्शन ऑफ अ ग्रेट मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट्स टू अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड स्टेनोकोकस, तो उनको हम क्या कहेंगे स्टेनोकोकस स्पीशीज, कि वो रिस्ट्रिक्ट होते हैं एक ख़ास इन्वायरमेंट के अंदर। वट आर यूरोकोकस स्पीशीज, यूरोकोकस होता है ब्रॉड, ओकस होम, यूरोस ओकोस ब्रॉड होम, तो ऐसे इंसेक्ट जिनकी एबिलिटी हो कि वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ब्रॉड एरिया में वो लिव कर सके उन्हें हम कहेंगे यूरोकोकस स्पीशीज। हाउ डिड इंसेक्ट्स बिकम सो वाइल्डली डिस्ट्रीब्यूटेड, इनमें तो एक उनकी फ्लाइट एबिलिटी, दूसरा उनका सर्वाइवल होता है, फिर इनके जो होते हैं ये पैरासाइट्स या जो होते हैं बर्ड्स पे मैमल्स पे उसके ज़रिए बहुत दूर तक ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, जैसे हम साथ में कैरी कर रहे होते हैं बहुत से मॉस्किटोस को क्योंकि वो हमारे ब्लड के अंदर होते हैं, और जो हमारी टिक्स होती हैं वो सारी टिक्स तो वैसे इंसेक्ट्स में नहीं आती, तो ये सारे के सारे जो होते हैं इस तरह सर्वाइव कर रहे होते हैं। माइग्रेशन एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे बहुत से इंसेक्ट्स हैं वो यूरोप से ये पाकिस्तान इंडिया में आ गए हैं और यहाँ से बहुत से ट्रांसफ़र कर चुके हैं उधर, क्योंकि जो ह्यूमन नेचर है वो एक दूसरे को मतलब कोऑपरेशन में रहते हैं और वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, किसी न किसी चीज़ के लिए वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, तो वो जो चीज़ें यहाँ से वहाँ जाती हैं उसके लिए उसके साथ वो फिर पेस्ट को भी ले जाते हैं, तो वहाँ से आती हैं तो पेस्ट वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। तो अभी तो
ये जो लॉ ऑफ क्वारंटीन लॉ होते हैं, ये काफ़ी इन पे वो अमल दरामद किया जा रहा है। इसकी वजह से भी काफ़ी जो है पेस्ट वो रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं ख़ास एरिया में। वो एक अभी इनकी मूवमेंट जो है वो बहुत कम हो गई है। वट इज़ कंपटीशन? इंटरफेरेंस ऑफ टू पॉपुलेशन एट द सेम ट्रॉफिक लेवल इज़ कॉल्ड कंपटीशन। जैसे हमारे कंपटीशन होते हैं वैसे मुख्तलिफ पॉपुलेशंस का आपस में कंपटीशन होता है, जिसमें वो फूड के लिए शेल्टर के लिए एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे होते हैं। वट इज़ मेंट बाय डोमिनेंस? कंडीशन ऑफ इन कम्युनिटीज इन विच वन और मोर स्पीशीज हैव कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस और कंट्रोल और एग्जिस्टिंग सोसाइटी स्पीशीज। डोमिनेट से निकला डोमिनेंस, कि एक स्पीशीज जो है वो दूसरी के ऊपर डोमिनेट कर गई है। वट इज़ डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर? पॉपुलेशन रेगुलेटिंग फैक्टर डैट चेंज इन इंस्टेंसिव इट चेंजेस इन पॉपुलेशन डेंसिटी इज कॉल्ड डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर। कि कैसे जो है डेंसिटी के चेंज होने से ये फैक्टर्स वो कैसे चेंज हो रहा है। जैसे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन का बताया है कि जो हमारे होता है कि इंटेंसिटी चेंज करती है, तो उनके अंदर इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ जाता है फूड के लिए, शेल्टर के लिए। और कुछ ऐसे भी स्पीशीज होती हैं जो एक दूसरे को, मतलब एक ही स्पीशीज़ के इंडिविजुअल आपस में एक दूसरे को फीड करने लग जाते हैं, किल करके खा जाते हैं। वट इज़ डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर? वो पॉपुलेशन रेगुलेटिंग फैक्टर डेट काजेज मोर्टेलिटी रिगार्डलेस टू पॉपुलेशन डेंसिटी। इसमें वो वाले फैक्टर्स आएंगे जो एक पॉपुलेशन की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। इसमें उन्होंने बताया वेदर फैक्टर, के जो वेदर फैक्टर हैं वो डिपेंड नहीं करते कि एक पेस्ट की पॉपुलेशन कितनी है, या वो एक ख़ास एरिया में कितना उन्होंने डोमिनेट किया हुआ है। जैसे ही वेदर फैक्टर चेंज होता है, उसके वो जो अकॉर्डिंगली क्या होता है, पेस्ट की मोर्टेलिटी हो रही होती है या उनके ग्रोथ में इफ़ेक्ट, वो असर इफ़ेक्ट हो रहा होता है। वट इज़ इम्परफेक्ट डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर? एन एजेंट डेट इज़ यूजुअली डेंसिटी डिपेंडेंट बट हुज एक्शन समटाइम फेल्स इज कॉल्ड इम्परफेक्ट डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स। इसमें उन्होंने बताया पैरासाइट, प्रीडेटर एंड पैथोजन। वह नेक्स्ट हमारे पास है वट इज़ अल्फा डाइवर्सिटी? अल्फा डाइवर्सिटी इज़ द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज विद इन द इंडिविजुअल कम्युनिटी। इंडिविजुअल कम्युनिटी के अंदर जो डाइवर्सिटी होती है स्पीशीज़ की, उन्हें क्या कहते हैं? अल्फा डाइवर्सिटी। वट इज़ बीटा डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़ फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर। एक हैबिटेट टू अनदर जो हमारी स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी होगी, उन्हें हम कहेंगे बीटा डाइवर्सिटी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं गैमा डाइवर्सिटी। गैमा डाइवर्सिटी इज़ डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़ विद इन द रेंज ऑफ हैबिटेट्स इन अ जियोग्राफिकल एरिया लाइक एन आइलैंड। इट इज़ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अल्फा डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। नेक्स्ट हमारे पास है वट इज़ डाइवर्सिटी इंडेक्स? इट इज़ द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्पीशीज एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ कम्युनिटी। वट इज़ इंडेक्स ऑफ सिमिलैरिटी? इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज फाउंड इन कॉमन इन टू कम्युनिटीज फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर प्रेजेंट इन बोथ। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि रेशियो है एक नंबर ऑफ स्पीशीज की जो कि दो कम्युनिटीज में कॉमन है। वट इज़ कॉन्टिनम इंडेक्स? द मेजर ऑफ पोजिशन ऑफ अ कम्युनिटी ऑन अ ग्रेडियंट डिफाइंड बाई स्पीशीज कम्पिटिशन इज कॉल्ड कॉन्टिनम इंडेक्स। वट इज़ एक्टोन? एक्टोन इज़ द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डाइवर्स कम्यूनिटीज। वट इज़ इको टाइम? सब स्पीशीज डेट इज़ पर्टिकुलर अडोप्टेड टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन इज कॉल्ड इको टाइम। वट इज़ के स्ट्रेटजी? सम स्पीशीज रिप्रोड्यूस मोर स्लोली, दिस स्ट्रेटजी इज कॉल्ड के स्ट्रेटजी बिकॉज देयर नंबर टेंड टू रिमेन क्लोज टू के, अ मैथमेटिकल टर्म फॉर द कैरिंग कैपेसिटी। हमने ऊपर पढ़ा था कैरिंग कैपेसिटी, उसके साथ ही के शो हो रहा था, तो
तो ये क्या करते हैं कि जितनी एक एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी होती है अपनी जो रिप्रोडक्शन है उसको उसके अकॉर्डिंग करते हैं, स्लो कर लेते हैं। के सेलेक्टेड स्पीशीज जनरली लिव लॉन्गर एंड इन्वेस्ट मोर एनर्जी इन अ स्मॉलर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या कर रहे होते हैं, इन लॉन्गर इनके लाइफ कैसे होती है, क्योंकि जो इंटरस्पीशीज कंपटीशन होता है वो कम हो जाता है। व्हाट इज आर स्ट्रेटजी, रैपिडली होती है, इसमें आर से आपने याद रखना है रैपिड। सम स्पीशीज मल्टीप्लाई एज रैपिडली एज पॉसिबल, दिस स्ट्रेटजी इज कॉल्ड आर स्ट्रेटजी। इन जनरल आर सेलेक्टेड स्पीशीज इन्वेस्ट लेस एनर्जी इन मैनी ऑफ स्प्रिंग्स एंड पोसेस मैनी जनरेशंस। इनमें क्या होता है, नंबर ऑफ जनरेशन इन सीजन वो ज़्यादा हो जाती हैं। दे टेंड टू बी स्मॉल एंड हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन द एंड आर स्ट्रेटजिस्ट आर कंपैरेटिवली सेंसिटिव टू द एनवायरनमेंट। इनमें जो होती हैं ऑफस्प्रिंग वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चल रही होती हैं। अगर एनवायरनमेंट हार्श होगा तो वो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग जो होंगे वो डेड हो जाते हैं, और जो अगर एनवायरनमेंट उनके फेवर में होगा तो पॉपुलेशन जो आउटब्रेक होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज सैंपल। सैंपल आप सबको पता होगा कि किसी चीज़ को जाहिर करने के लिए, शो करने के लिए ख़ास उसकी मकदार ले लेते हैं, उसे हम कहते हैं सैंपल। सैंपल इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ होल पॉपुलेशन, तमाम पॉपुलेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होगी उसे हम सैंपल कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑब्लिगेट, पैरासाइट और प्रेडेटर रिस्ट्रिक्टेड टू ईटिंग अ सिंगल स्पीशीज ऑफ प्रे इज कॉल्ड ऑब्लिगेट। इसमें वो क्या होता है कि एक ख़ास प्रे के ऊपर या होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। व्हाट इज इन नेट कैपेसिटी फॉर इंक्रीज, इसे हम आर एम डॉट से शो करते हैं, मेजर ऑफ रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ अ पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल कंडीशन इज कॉल्ड इन नेट कैपेसिटी फॉर इंक्रीज। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स पैरामीटर, पैरामीटर इज एनी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम होल पॉपुलेशन। कोई भी पैरामीटर हो सकता है, और उसका ये जैसे हमने पढ़ा इननेट कैपेसिटी फॉर इंक्रीज हो सकता है, के वैल्यू हो सकती है, वो सारे के सारे डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। उनमें पॉपुलेशन डेंसिटी भी हो सकती है, उसमें फिर विंड वेलोसिटी, विंड स्पीड वगैरह को जो भी हम स्टैट्स लगा रहे होते हैं वो डिफरेंट पैरामीटर्स पर लगा रहे होते हैं। व्हाट इज स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक इज एनी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम इंडिविजुअल। कोई भी चीज़ जो हम स्टडी कर रहे होते हैं उसकी जो हम रीडिंग्स लेते हैं, जो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू हम कंसीडर करते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज वेरिएबल, करैक्टर डैट वेरीज विद एन इंडिविजुअल और एन ऑब्जेक्ट, इट मे बी ऑफ टू टाइप्स, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जैसे आपको पता होगा क्वांटिटी से एक्सप्रेस न्यूमेरिकली, क्वालिटी में एक्सप्रेस जो होता है उसके करैक्टरिस्टिक्स के बेस पे, क्वालिटी के बेस पे। व्हाट इज एन एरर, एन एरर इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू। जो हमने वैल्यू ली होती है और जो एस्टिमेटेड वैल्यू होती हैं उनके दरमियान जो वेरिएशन आ रही होती हैं वो हम एरर कंसिडर करते हैं। व्हाट इज़ बायस्ड एरर, बायसनेस से निकले, बायस्ड एरर ड्यू टू द पर्सनल लिमिटेशन ऑफ ऑब्जर्वर, डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट यूज्ड और सम अदर कंडीशन विच कंट्रोल द मेजरमेंट। कोई भी एक मतलब रिसर्चर है, साइंटिस्ट है, वो उसके जो पर्सनल लिमिटेशंस हैं उनकी वजह से जो एरर आता है, या फिर जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे स्क्रू गाज और इसमें हम पढ़ते हैं मैट्रिक में, उनमें जैसे ज़ीरो एरर आ रहे होते हैं वो बायस्ड एरर होते हैं, उनको हम कवर कर सकते हैं। व्हाट इज अनबायस्ड एरर, अनबायस्ड इज नॉट ड्यू टू बायस, इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल इन नेचर एंड कैन बी रिमूव्ड बाय रिपीटेशन। तो अनबायस्ड जो एरर्स होते हैं इनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, रिपीटेशन करते हैं। जैसे एक हमने सैंपल लगाया है तो उसी तरह के चार सैंपल्स लगाते हैं और उन पर सेम ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं, और सेम जो मतलब टाइम पीरियड में उनके हम जो वैल्यूज़ वो
वो डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, उनका फिर जो मीन निकलता है उनके ज़रिए से जो अनबायस्ड एरर होता है वो रिमूव हो जाता है या मिनिमम हो जाता है। हमारे पास नेक्स्ट है डाटा। एनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम एनी फील्ड इज कॉल्ड डाटा। कोई भी जो इंफॉर्मेशन होती है जो किसी एक फील्ड से चाहिए होती है हमें उसे डाटा कहते हैं। व्हाट इज़ प्राइमरी डाटा? प्राइमरी डाटा इज ओरिजिनली कलेक्टेड डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं, विच हैव नॉट अंडरगोन एनी सॉर्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, जिस पे हमने स्टैट नहीं अप्लाई की होती या जिसके हमने टेबल्स वगैरह ड्रा करके उन्हें सिंपली रख दिया होता है, उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल, वो प्राइमरी डाटा। व्हाट इज सेकेंडरी डाटा? डाटा विच हैव अंडरगोन एनी सॉर्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट एट लीस्ट वंस इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। कोई भी डाटा है जो मतलब जिसके ऊपर हमने स्टैट अप्लाई की है एक एक टाइम में बेशक हो, वो हमारा सेकेंडरी डाटा हो जाता है। व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड डायनामिक्स? स्टडी ऑफ रीजंस फॉर द चेंजेस इन पॉपुलेशन साइज इज कॉल्ड डायनामिक्स। सही है, पॉपुलेशन डायनामिक्स में हमने डायनामिक्स का वर्ड देखा था कि ये चेंजेस इन पॉपुलेशन होते हैं, तो इसमें हम उन रीजंस को स्टडी करते हैं कि जिसकी वजह से पॉपुलेशन में चेंजेस आ रही होती हैं। व्हाट इज न्यूमेरिकल? क्वांटिफाइड डाटा विच इज़ अमेंडेबल टू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज नोन एज न्यूमेरिकल। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज एवरेज मीन? एवरेज इज़ अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट डाटा एज अ होल एज इट इज़ मोर और लेस सेंट्रल वैल्यू, देयरफॉर इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। व्हाट इज मीडियन? इफ डाटा इज़ अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देन द मिडल वैल्यू इज मीडियन। अगर हमने उसको ऐसे सॉर्ट किया है कि वो असेंडिंग वे में है या डिसेंडिंग वे में है, तो जो सबसे मिडल होगी जैसे 1, 3, 5, 7, 9, इसमें जो 5 है वो हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। व्हाट इज क्वार्टाइल? द वैल्यू विच डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इन 4 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड क्वार्टाइल। क्वार्ट से निकले। व्हाट इज अरिथमेटिक मीन? द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय देयर नंबर। जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनको हमने ऐड कर लेना और उनके टोटल नंबर पे उसे डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास क्या आएगा, अरिथमेटिक मीन। व्हाट इज हार्मोनिक मीन? रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द और द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज। व्हाट इज मोड? द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ सेट ऑफ डाटा दैट इज इट इंडिकेट्स मोस्ट कॉमन रिजल्ट, उसे हम क्या कहेंगे, मोड कहेंगे। जो फ्री मोस्ट फ्रिक्वेंटली शो हो रहा है डाटा में वो हमारा क्या होगा, मोड होगा। व्हाट इज वेरियंस? द वेरियंस ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिफाइंड एज मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन, कि वो कितना वेरिएट कर रहे हो। व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरियंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। कि जो हमने वेरियंस कलेक्ट की है उसका हम स्क्वायर रूट लेंगे पॉजिटिव, तो क्या हमारे पास आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सैंपल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। व्हाई डू वी कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर? स्टैंडर्ड एरर इज कैलकुलेटेड टू सी द डिफरेंस इन सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, कि कितनी वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस आ रहा है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करके। व्हाई डू वी यूज़ ची स्क्वायर मेथड? इसमें हम सिग्निफिकेंस चेक करते हैं। ची स्क्वायर मेथड इज़ यूज टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द डेविएशन ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज इन एन एक्सपेरिमेंट। व्हाई डू वी यूज़ स्टैंडर्ड डेविएशन? क्योंकि ये बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन होते हैं, इट इज़ बेसिक मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी अमंग द सैंपल्स एंड इट इज़ यूज फॉर फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसे हम आगे भी अपने जो
स्टैट लगाते हैं जैसे अनोवा वगैरह में, तो ये यूज़ हो रहा होता है. बट वाई डू वी कैलकुलेट वेरियंस? बिकॉज इट इनलार्ज द वेरिएबिलिटी अमंग द सैम्पल्स. ये इनलार्ज करता है वेरिएबिलिटी को, तो वो क्या होती हैं, ऑब्जर्वेबल हो जाती हैं. वट इज़ लीस्ट स्क्वेयर मेथड? स्क्वेयर मेथड इज द मेथड बाय विच कर्व्स एंड इक्वेशंस आर फिटेड टू डेटा. इट इज़ द मेथड दैट कंसिस्ट ऑफ मिनिमाइजिंग सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यूज एंड कोरिस्पोंडिंग वैल्यूज ऑब्टेंड फ्रॉम द कर्व्स और इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द डेटा. वट इज लॉजिस्टिक कर्व? लॉजिस्टिक कर्व इज अ मॉडिफाइड एक्सपोनेंशियल कर्व विच हैज़ फोर स्टेजेस. पीरियड ऑफ रिलेटिवली स्लो ग्रोथ, फिर इसमें नेक्स्ट एक्सेलरेटेड ग्रोथ आएगा, फिर डी एक्सेलरेटेड ग्रोथ आता है और स्टेबिलिटी आ जाती है. फिर हमारे पास नेक्स्ट है वट इज हिस्टोग्राम? हिस्टोग्राम जैसे हमने एक्सेल पे देखे होंगे हिस्टोग्राम्स का होते हैं. इफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स आर कनेक्टेड विद द फ्रीक्वेंसीज द जियोग्राफिक द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्च सीरीज इज कॉल्ड हिस्टोग्राम. हम अपने डाटा को ग्राफिकली हिस्टोग्राम की सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है वट इज पेयर टी टेस्ट? द टेस्ट शोज द डिफरेंस बिटवीन द टू सैंपल ऑब्जर्वेशन इन इट्स पेयर्स. कि जो डिफरेंस आ रहा है दो सैंपल ऑब्जर्वेशन में, वो क्या, वो किससे शो होते हैं, पेयर टी टेस्ट से. वट इज स्टेबिलिटी? एब्सेंस ऑफ फ्लक्चुएशन इन पॉपुलेशन इज कॉल्ड स्टेबिलिटी. स्टेबल से निकले. वट इज इन डिफरेंट स्पीशीज? ऑलमोस्ट सेम स्पीशीज फाउंड इन डिफरेंट कम्युनिटीज. दीज आर नॉट गुड स्पीशीज फॉर कम्युनिटी क्लासिफिकेशन. ये क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम स्पीशीज फाउंड इन डिफरेंट कम्युनिटीज. ऑलमोस्ट सेम होती हैं ये फिनोटिपिकली और जीनोटिपिकली भी काफ़ी जो होती है वो सेम होती हैं मोस्टली. तो ये क्या कर रही होती हैं, क्लासिफिकेशन वगैरह में वो हमारे पास मसला क्रिएट कर रही होती है. तो गाइस ये हमारा था इकोलॉजी के बारे में. इसमें हमने डिफरेंट डेफिनेशंस को स्टडी किए हैं. होपफुली आपको ये सारी समझ आ गई होंगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम अगले वीडियो में हाजिर होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.